वेलनेस मॉर्निंग। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ कि वर्ल्ड का नंबर वन सिटी और वर्ल्ड का नंबर वन प्रोडक्ट के साथ में खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से आज ये मेरा बेटा सामने है। ये भी नहीं होता तो ये भी नहीं होता। इसको जो प्रॉब्लम थी, लगभग 1000 बच्चों में से एक को होती है, इसको गेहूं की एलर्जी थी और बिल्कुल दुबला पतला हो गया था और नहीं रहे, ये कंडीशन हो गई थी। जब उन्होंने इस कंडीशन में अहमदाबाद लेकर गए थे तो राजकुमार जी गुप्ता जी, उन्होंने ट्रीटमेंट किया था तो उन्होंने एक चीज सामने लाई, इसको गेहूं की एलर्जी है। और लगभग उस समय 8 पॉइंट के ऊपर गेहूं तुरंत बंद करना होता, इसको 22.7 था, मतलब इमीडिएटली बंद करना होता था। तो उनको मैंने पूछा था, सर वैसे हम जिस समाज से हैं वहां पे 365 दिन ही खाना होता है, तो अगर हम कहीं खाना खाने जाओ ये नहीं खाया तो वो भी रहा नहीं जा रहा था। तो उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि यार गेहूं की एक ऐसी एलर्जी है जो किसी एलोपैथी से ठीक नहीं होगी, इसका एक ही उपचार है कि इसका हमेशा ध्यान रखे कि ये गेहूं नहीं। लेकिन दोबारा जब अनिल सर से मिला तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि सेम भी दे इसको, और टच वो सामने खड़ा हूँ, इसको कभी गेहूं खाना बंद ही नहीं किया। आज सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और -2 हुई। तो तहे दिल से शुक्रिया, मैं अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री अम्बी, जय श्री। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरे हस्बैंड हैं और वो बच्चा मेरा ही था। और मैं सबसे ये कहना चाहती थी कि अभी जो भैया ने बोला था कि बीबी से सब परेशान होते थे, ये भी मुझसे काफी परेशान थे। और उठते थे तो भी बोलते थे, आज तेरे कौन सा पेन हो रहा है ये बता दे, कि मैं उसकी दवाई लेके आऊं तेरे लिए। मतलब हद से ज्यादा मुझसे परेशान हो गए थे। तीन साल तक मुझे ये था कि न तो मैं बिस्तर से उठ पाती थी और न मैं खाना बना पाती थी। काफी बार तो होटल से खाना आता था और मुझे ब्लड की काफी कमी भी थी, 5 पॉइंट के समथिंग रह गया था। और उसमें जब ब्लड कम होता है तो उस समय अस्थमे की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे सांस भी काफी चलता था, मुझे चलने में भी दिक्कत आती थी। और जब बेटे को इन्होंने CMD दी तो मुझे विश्वास नहीं था। मैंने कहा यार जा डॉक्टरों में, मैंने 17-18 लाख रुपए खत्म कर दिए, वहाँ ये आपकी ये मेरे 8000 की दवाई कहाँ काम करेगी। पर आज मुझे हकीकत में मुझे इतना विश्वास है कि ये मेरे लिए तो भगवान के रूप में आए थे। उन्होंने मेरे बेटे को एक तरह से जिंदा कर दिया ना। डॉक्टर्स लोगों ने तो ये बोल दिया था कि आप इसको ले जाओ और आप इसकी सेवा करो, जितने दिन जिए उतने दिन अच्छा है। और एक माँ के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर डॉक्टर्स कोई बोल दे तो उस समय कैसा लगता है। उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया, मेरा बेटा जिंदा है तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।